हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राजधानी साइंस धारा। जय हिंद, जय राजधानी। लास्ट क्लास में आप लोगों को हम रेंज परिसर निकालना सिखा रहे थे कि कैसे हम डिफरेंट फॉर्म में जो क्वेश्चंस होते हैं उनका परिसर निकालते हैं, उनकी रेंज निकालते हैं। आज की जो क्लास है उसमें जो रेंज का बाकी पार्ट है, बचा हुआ पार्ट है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग ध्यान सुनिए, ध्यान समझिए और चीज़ों को सीखने की कोशिश करिए, ठीक है? तो करते हैं स्टार्ट। रेंज परिसर, आपको हम जो पढ़ा रहे थे वो था रेंज निकालने में कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, रेशनल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, पी एंड सी फंक्शन, इनकी हम रेंज कैसे निकालते हैं। आज की जो क्लास है, आज की क्लास में जो हम सीखेंगे वो है त्रिकोणमितीय ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज हम कैसे निकालते हैं, ये समझने वाली चीज। देखिए, यदि हमारे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू, पहले एक बात तो बता दूं आपको कि जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनकी रेंज तो आपको आती है, जो कि आप ग्राफ से भी सीख चुके हैं। और वैसे मैंने बताया था कि साइन एक्स की जो रेंज होती है वो माइनस वन से वन होती है, कॉस एक्स इसकी रेंज भी माइनस वन से वन होती है, टेन एक्स इसकी रेंज ऑल ये नंबर्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होती है, कॉट एक्स इसकी रेंज भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होती है, सेक एक्स इसकी रेंज होती है माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से इन्फिनिटी, कोसेक एक्स इसकी रेंज होती है माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से इन्फिनिटी। ये आपको रेंज पता होनी चाहिए कि साइन की क्या होती है, कोस की क्या होती है, टेन कॉट सेक और कोसेक, खैर जो भी है ये पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, आपसे कहा जाए क्वेश्चन कैसे आते हैं, सोल्व कैसे करते हैं, ये सीखने वाली बात है। y इज इक्वल टू टू साइन एक्स प्लस थ्री, रेंज निकालनी है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं y माइनस थ्री इज इक्वल टू टू साइन एक्स, और यहां पर साइन एक्स जो हो जाएगा वो जाएगा y माइनस थ्री अपॉन टू, साइन एक्स y माइनस थ्री अपॉन टू आया, और साइन एक्स की जो रेंज है साइन एक्स माइनस एक से एक के बीच में होती है, साइन एक्स आपका y माइनस थ्री अपॉन टू है, लेस देन इक्वल टू एक, टू से मल्टीप्लाई किया थ्री ऐड किया वन लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू फाइव। इस क्वेश्चन की जो रेंज आई वो आई वाई की जो वैल्यू आई वो आई एक से पांच, तो रेंज जो आ रही है रेंज यानी परिसर, यानी परिसर जो आ रहा है एक से पांच तक, यही परिसर होगा, यही रेंज होगी, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? और क्वेश्चन ले लेंगे, इस चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। y इज इक्वल टू थ्री साइन एक्स अपॉन फाइव प्लस टू अपॉन थ्री, इसकी रेंज निकालनी,
तो वही हम क्या करेंगे, y माइनस टू बाई थ्री इज इक्वल टू 3 sin x / 5। क्या हो जाएगा ऐसे 3 sin x / 5 इज इक्वल 3 - 3y - 2/3। यहां से आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा साइन एक्स, जो हो जाएगा इसकी वैल्यू जाएगी 5/3 × 3y - 2/3। साइन एक्स की जो वैल्यू आई वो 5, 10, 9 ये आई। और साइन एक्स की रेंज क्या होती है, क्या होती है, -1 से 1। इसको आपने लिखा -1 से 1, साइन एक्स -1 से 1 के बीच में होता है। साइन एक्स की जो वैल्यू है वो ये है, तो यहां पर रखिए आपने -1 < y - 10/9 < 1। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -9 < 15y - 10 > 9। सोल्व किया आप लोगों ने, यहाँ पे 10 ऐड किया तो ये हो जाएगा 10 - 9 = 15y < 9 + 10। 10 ऐड कर दिया बोथ साइड, ठीक है ना। अब आपको 15 से डिवाइड कर दीजिए तो ये क्या है 1 < 15y < 19। तो 1/15y < 19/15 ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। आ रहा समझ? और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं और उनको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लो ये आ गया क्वेश्चन 3y = 3cos²x + 7। cos²x इसकी रेंज निकालनी है, तो cos²x जो होता है, cos²x इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, मिनिमम वैल्यू न्यूनतम मान क्या होता है इसका, जीरो होती है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, एक होती है। तो यहां पर इसको आप ऐसे भी कर सकते हो 0 < cos²x < 1। आपका कॉस स्क्वायर थोड़ी है, 3 cos²x + 7 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, 3 × 0 = 3cos²x < 3। 7 ऐड कर दो तो 7 ऐड किया तो क्या हो जाएगा 0 + 7 < 3cos²x + 7 = 3 + 7। और ये हो जाएगा आपका 7 < 3cos²x + 7 = 10। और यही आपका परिसर होगा, यही आपकी रेंज होगी, क्या 7 से 10 7 से 10, यही परिसर है, यही रेंज है, ठीक है स्टूडेंट्स। आ रहा है समझ में? चलते हैं। देखिए वैसे तो आपको मैंने मेथड बताया, मेथड मैंने आपको पूरा सिखाया कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये तरीका है, ये तरीके से हम पहले जो साइन एक्स है उसको वाई की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, और फिर साइन एक्स या कॉस एक्स की जो रेंज होती है वो -1 होती है, 1 होती है, -1 और 1 के बीच में लेते हैं और सॉल्व करके वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं और वही रेंज होती है, ठीक है। ये तरीका बताया मैंने आपको, लेकिन ट्रिक क्या है, कैसे, क्या बेटा, कैसे कैसे हम क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर सकते हैं, देखते ही देखते कैसे हम आंसर निकाल सकते हैं, ये मैं आपको सिखा रहा हूं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, समझना ध्यान से, 5 sin x + 7 + 3 है y = इसकी रेंज निकालनी है। बताओ मुझे साइन एक्स का न्यूनतम मान और अधिकतम मान क्या होता है, -1
और एक, ठीक है ना। तो इसका पोजीशन निकालने के लिए वाई मिनिमम, वाई की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जहां भी आपको साइन एक्स दिखाई दे माइनस एक रख दो, तो 3 - 1 रखेंगे तो -5/7, 3 - 5/21, -5 16/7। मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए वाई मैक्सिमम निकालने के लिए साइन एक्स एक रख दो, तो 5/7, 1 + 3 सात या 21/7 26/7। ये न्यूनतम और ये अधिकतम, कुछ नहीं किया आपने, सीधा साइन एक्स माइनस एक रखा और प्लस एक रखा, माइनस एक रखने पर न्यूनतम और प्लस एक रखने पर अधिकतम, और ये मान आ गया आपका परिसर वाला क्या आया, 16/7 से लेकर के 26/7 तक, यही परिसर है, यही रेंज है। वाई इज इक्वल टू 5 cos x + 8, क्या परिसर होगा, माइनस एक रखा cos x जगह तो -5 हो गया, 8 - 5 3, 1 रखा 8 और 5 13, 3 13, क्या बेटा 3 13, ये हो गया परिसर, यही रेंज है। देखते ही आंसर निकाला आप लोगों ने, यही ट्रिक है। मान लो ये है y इज इक्वल टू 2 cos² x + 1, रेंज निकालनी है, परिसर निकालना है, cos स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम क्या होती है, 0 0 रखा, 0 + 1 एक, 1 रखा 2 एकम 2 और 1 3, 1 से 3, ये हो गया परिसर। कोई सब क्वेश्चन हो, कैसे भी क्वेश्चन हो, आसानी से परिसर निकाल सकते हैं, आसानी से हम रेंज निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चले। मान लो क्वेश्चन हमारे पास इस फॉर्म में, y इज इक्वल टू ए साइन एक्स, ट्रिग्नोमेट्री की दूसरी फॉर्म ले रहे हैं, y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ये फॉर्म में, प्लस सी और लगा दिया ये फॉर्म। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मेथड क्या है, सबसे पहले हम ए को मान लेते हैं आर कॉस थीटा, बी को मान लेते हैं आर साइन थीटा, ए की जगह आर कॉस थीटा, बी की जगह आर साइन थीटा, ये हो गया वाई इज इक्वल टू आर कॉस थीटा साइन एक्स प्लस आर साइन थीटा कॉस एक्स, वाई इज इक्वल टू आर कॉमन ले लिया साइन एक्स कॉस थीटा प्लस कॉस एक्स साइन थीटा, वाई इज इक्वल टू आर कॉमन लिया और ये हो गया आपका साइन एक्स प्लस थीटा। और साइन एक्स प्लस थीटा, साइन की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1, तो क्या करेंगे आप, ये पूरा जो हो गया आपका साइन एक्स प्लस थीटा प्लस सी भी तो चल रहा है, तो बस सी हो लगा दो इसके अंदर। तो रेंज निकालने के लिए साइन एक्स प्लस थीटा की जो मिनिमम वैल्यू है वो है -1 और मैक्सिमम वैल्यू है 1। आर साइन एक्स प्लस थीटा है तो आर से गुणा कर दो बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा -r < r sin x + θ < r, सी जोड़ दो, सी जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा -r + c < r sin x + θ > r + c, ये आपकी मिनिमम वैल्यू आई और ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू आई, आर की वैल्यू यहां से आप निकाल लोगे स्क्वायरिंग करके, ऐड करके, स्क्वायरिंग करके ऐड करोगे ना आप, एज को आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, बी इज गुड आर साइन थीटा है, स्क्वायरिंग करके ऐड करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है? वन होती है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आया? आर स्क्वायर आ गया। तो ये आर की वैल्यू जो आई वो क्या आई? वाई प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आर की वैल्यू आ गई। आर की वैल्यू यहां रख देना, आपका आंसर आ जाए। खैर जो भी है, ये तरीका था, मैं सवाल लेकर समझा रहा हूं कि कैसे सवाल आते हैं, उनको सॉल्व कैसे करते हैं। y इज इक्वल टू, मान लो सवाल है थ्री साइन थीटा प्लस फोर कॉस थीटा, y इज इक्वल थ्री साइन थीटा प्लस फोर कॉस थीटा, ये सवाल है। क्या करेंगे आप? सबसे पहले 3 को लेंगे r cos x, या एक काम करो यहां पर x कर दो, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा r cos theta प्लस 3 को r cos theta है ना, और 4 इज इक्वल टू r sin theta। थ्री इक्वल आर कॉस थीटा और फोर इज इक्वल आर साइन थीटा रख दो यहां पर, क्या बनेगा ये? वाई इज इक्वल टू आर कॉस थीटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, क्या बन जाएगा ये? वाई इज इक्वल टू आर गिवन, क्या क्या बना? वाई इज इक्वल टू आर ये आर क्या है यहां पर, यहां से निकालिए आर, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर को स्क्वायर स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा तीन का स्क्वायर प्लस चार का स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वन होता है 9 प्लस 16, वन होता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25, पांच आ रहा है, पांच यहां रखेंगे तो ये आ जाएगा वाई इज इक्वल टू 5 साइन एक्स प्लस थीटा। रेंज निकालनी है अब इसको आपको, तो रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे आप? रेंज निकालने के लिए आपको पता है कि साइन एक्स प्लस थीटा जो होता है इसकी वैल्यू एक और माइनस एक के बीच में होती है। 5 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस फाइव लेस देन इक्वल टू साइन एक्स प्लस थीटा लेस देन इक्वल टू 5, तो इसकी जो रेंज आई माइनस फाइव से प्लस फाइव के बीच, ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, आ रहा समझ में? चलते आगे। y इज इक्वल टू 12 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स प्लस 7, इसकी रेंज निकालनी है। तो क्या करेंगे यहां पर? 12 को आप ले लो r cos थीटा और 5 को ले लो क्या? r sin थीटा। ये r cos थीटा और ये r sin थीटा रख दीजिए यहां पर वैल्यू, क्या हो जाएगा ये? y इज इक्वल टू r cos थीटा sin x r sin थीटा cos x प्लस 7, ले लो क्या कॉमन क्या है? r sin x
कॉस थीटा, कॉस एक्स, साइन थीटा प्लस 7। यहां पर ही हो जाएगा आपका वाई इज इक्वल टू आर साइन एक्स प्लस थीटा प्लस 7। इसकी वैल्यू होती है माइनस एक से एक के बीच में, तो साइन एक्स प्लस थीटा हो गया आपका एक से और माइनस एक के बीच में। आर से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, माइनस आर लेस देन इक्वल टू साइन एक्स प्लस थीटा लेस देन इक्वल टू आर। 7 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 माइनस आर साइन आर साइन एक्स प्लस थीटा प्लस 7 लेस देन इक्वल टू आर प्लस 7। तो आंसर जो आया वो क्या है, 7 माइनस आर से लेकर के 7 प्लस आर तक। क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए आर, क्या चाहिए आपको आर। तो आर करने निकालने के लिए क्या करेंगे, हम स्क्वायरिंग करके ऐड करेंगे, स्क्वायरिंग करके ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 169, आर इज इक्वल टू 13। तो आर की वैल्यू 13 रखोगे तो क्या जाएगा आंसर, 7 माइनस 13 माइनस 6, 7 और 13 20। जो गए फाइनल आंसर। ठीक है, और सवाल ले लो। y इज इक्वल टू 24 साइन एक्स 7 कॉस एक्स 13.3। ठीक है, तो यहां पर r देखिए, 24 को आप r cos थीटा मान लीजिए, 7 को आप मान लीजिए r sin थीटा, क्योंकि sin x plus थीटा एक फॉर्म में तभी बनेगा। तो 24 इज इक्वल टू आर कोस थीटा, 7 इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, अब आर निकालो पहले, तो स्क्वायरिंग करके ऐड करने पर, यहां से आर निकालो पहले, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 576 प्लस 49, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 625, आर इज इक्वल टू 25, आर की वैल्यू 25 आई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपने रखी वैल्यूज, तो हो जाएगा वाई इज इक्वल टू, वाई इज इक्वल टू आर कोस थीटा साइन एक्स आर साइन थीटा कोस एक्स प्लस 13/3। यहाँ से आर लिया कॉमन, आर क्या है 25 है, 25 कॉमन ले लिया, कॉस थीटा साइन एक्स साइन थीटा कॉस एक्स प्लस 13/3। ठीक है, ये आपको हो गया साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो वाई जो हो जाएगा आपका 25 साइन एक्स प्लस थीटा हो जाएगा प्लस 13/3। इसकी वैल्यू माइनस वन और वन के बीच में लाई करती है, ठीक
ठीक है, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, थर्टीन बाई थ्री ऐड करेंगे, ठीक है ना। 13/3, 25 sin x + θ प्लस लेस देन इक्वल टू 25, ठीक है। आ रहा है समझ में? यहाँ से इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, ये 13 - 25 = 75, 3 < ये पूरा y < 75, 3, ठीक है। यहाँ पर इसमें से माइनस करो, 5 - 3 करते 2, 2 - 7 - 2 करते 5, 5 और 3 8, 7 और 1 8, 88/3, यानी जो रेंज आई, जो प्रेशर आया वो होगा -52/3 से 88/3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तरीका है, ये मेथड है सॉल्व करके आंसर निकालने का। लेकिन ट्रिक क्या है, देखते ही देखते आंसर निकालने की ट्रिक। ट्रिक क्या है, कैसे हम क्वेश्चंस का आंसर देखते ही देखते निकाल लें? तो जैसे जब भी सवाल हमारे पास ये फॉर्म में हो, y इज इक्वल टू ए साइन एक्स बी कॉस एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में हो, यहाँ पे ए बी सी कुछ भी हो सकता है, इसकी जो रेंज होती है वो हमेशा माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी तक होती है। ये होती है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी से प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी तक होती है रेंज। ठीक है स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ में? बोलिए, चलते हैं आगे। जैसे y इज इक्वल टू 3 sin x प्लस 4 cos x -9 है, r क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ये है, ये बी ए सी है, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 = 25, का स्क्वायर रूट 5, -5 7 क्या सी क्या है, -9 से लेकर के -5 -9 तक, यानी -14 से लेकर के -4 तक, बिना कुछ किए देखते ही देखते आंसर निकाल दिया आपने। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है ट्रिक, ये है तरीका आंसर निकालने का। खैर जो भी है, आगे चलते हैं, क्वेश्चंस और लेते हैं। यदि मान लो सवाल हमारे पास साइन की पावर एन एक्स प्लस कॉस की पावर एन एक्स फॉर्म में हो, तीसरी फॉर्म है y इज इक्वल टू sin x^n प्लस cos x^n। अब यहाँ पर n आपका इवन यानी सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। पहला केस जब n सम हो, इफ n इज इवन, यदि n सम हो, n इवन है, तो क्या हो जाएगा, ये y इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं sin 2nx + cos 2nx, 2n अपने आप में इवन है ना, ये फॉर्म। इसका पीरियड कैसे निकालते हैं, क्या तरीका है, क्या मेथड है, कैसे हम पीरियड निकालते हैं, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मान लो सवाल हमारे पास, क्वेश्चन लेके समझा रहा हूँ, sin^4x (cos^4x) इसकी रेंज निकालनी, sin^4x + cos^4x। अब ये दो फॉर्म में है, साइन और कॉस फॉर्म में, तो आप किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट करिए। तो कैसे करें हम इसको, एक काम करो आप, y इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 4 sin 4x प्लस
फोर कॉस फोर एक्स लिख सकते हैं क्या ऐसे? लिख सकते हैं क्या? नहीं, क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि यदि आप फोर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फोर से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये लो, अब तो कर सकते हैं ना, अब तो दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये y इज इक्वल टू 1/4, इसको हम लिख सकते हैं 2 sin² x का होल स्क्वायर 2 cos² x का। 2 sin² x होता क्या है? 2 sin² x क्या होता है? 1 cos 2x। और 2 cos² x क्या होता है? 1 cos 2x। यहां रख दो इसको तो क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू 1 cos 2x का होल स्क्वायर 1 cos 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, y इज इक्वल टू 1/4 ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 cos 2x ए स्क्वायर जो जा रहा है उसको जाने दो, जो आ रहा है उसको आने दो। 1 और 1 2 प्लस cos² cos² 2 cos² 2x। अब ये 2 cos² 2x ये क्या होता है? वन बाई फोर, रहने दो इसको, कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। यहां पर देखो आप, cos² 2x जो है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, cos² की वैल्यू। तो वी नो दैट cos² 2x इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और मिनिमम वैल्यू स्क्वायर में तो 0 से कम हो ही नहीं सकती ना, स्क्वायर है तो मिनिमम वैल्यू 0 होती है, 0 हो गई। 2 ऐड कर दो बहुत सारे, तो 2 ऐड करेंगे तो 2 + 0 < इक्वल टू 2 + cos 2x > 1 + 2 3। अब देखिए 2 ऐड किया आप लोगों ने, अब आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2/4 < इक्वल टू 1/4 2 + cos² 2x > इक्वल टू 3/4। ठीक है, तो आपका, अच्छा एक गलती और कर दी आप लोगों ने, क्या? क्योंकि यहाँ पे cos² 2x है ना, इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो 2 cos² प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 2 cos² 2x और ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब 2 ऐड करेंगे तो 2 + 0, यहाँ पर 2 + 2 cos² 2x और यहाँ पर 2 प्लस ये जो है इसके अंदर, आप 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 4/4, 4/4 यानी मिनिमम वैल्यू क्या आई 1/2 और मैक्सिमम वैल्यू क्या आई 1। इसकी मिनिमम वैल्यू 1/2 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 आई। ठीक है, तो आया समझ में कैसे हमने किया? खैर जो भी है, एक सवाल और लेते हैं जिससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका। y इज इक्वल टू sin की पावर 6x + cos की पावर 6x, ये सवाल है। sin की पावर 6x + cos की पावर 6x, तो क्या करें हम, एक काम करो आप, y इज इक्वल टू इसको आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो, कर सकते हैं क्या ऐसे? हम ऐसे कर सकते हैं क्या? हम नहीं नहीं कर सकते। यदि आप 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हो
तो आपको 8 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये लो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये 8 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, आगे चलो। ये जो है आपका y इज इक्वल टू 1/8, तो ये है ही, ये हो जाएगा आपका 2 sin² x का होल क्यूब प्लस 2 cos² x का होल क्यूब। क्या किया आपने, दोनों का क्यूब के फॉर्म में बना दिया आपने। क्यों बनाया, क्योंकि इसका फॉर्मूला भी आपको पता है और इसका फॉर्मूला भी आपको पता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin² x क्या होता है, 1 - cos 2x, और 2 cos² x क्या होता है, 1 + cos 2x। रख दो इसकी वैल्यू, रख दो और इसकी वैल्यू रख दो, रख दिया आप लोगों ने। देखो क्या आता है, ये आ गया y इज इक्वल टू 1/8 1 - cos 2x का होल क्यूब 1 + cos 2x का होल क्यूब। क्या करोगे अब आप, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। याद है क्या आप लोगों को, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, फॉर्मूला बताइए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3 ab² माइनस 3a² b। और ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab². ठीक है, ये फॉर्मूला लगाया आप लोगों ने यहाँ पर, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू ए क्यूब 1 का क्यूब माइनस बी क्यूब यानी cos³ 2x प्लस 3 a यानी 1, b यानी cos² 2x माइनस 3 a² यानी 1 का स्क्वायर, b यानी cos 2x, ए क्यूब यानी 1 + cos³ 2x प्लस 3 cos² 2x प्लस 3 cos 2x। ये दोनों को ओपन कर दिया, इसको भी और इसको भी, जो खत्म हो रहा है उसको खत्म कर दो। ये इससे खत्म हो रहा है और ये इससे खत्म हो रहा है, जो बच रहा है उसको लिख दो। क्या बच रहा है, y इज इक्वल टू 1/8, 1 और 1 2, 3 कॉमन लिया, 2 cos² 2x। ठीक है, अब इसको कैसे निकालेंगे आप, पता है ना आपको cos² की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1, यहाँ पर 0 रखा तो 0 × anything 0, 0 + 2 2, 2/8 1/4, 1 रखा 2, 2 3 6, 6 और 2 8, 8/8 1, यानी मिनिमम वैल्यू क्या आई, 1/4, मैक्सिमम वैल्यू क्या आई, 1। ठीक है, आया समझ में आ रहा है ना आप लोगों के, ऐसे ही sin^8x का, sin^8x + cos^8x निकाल सकते हैं, ऐसे ही sin^16 sin^10x y इज इक्वल टू sin^8x प्लस cos^8x का निकाल सकते हैं, ऐसे ही y इज इक्वल sin^10x प्लस cos^10x का निकाल सकते हैं, ऐसे ही y इज इक्वल टू sin^100x प्लस cos^100x इसका भी निकाल सकते हैं, ऐसे ही y इज इक्वल टू sin^2020x cos^2020x इसका निकाल सकते हैं, ऐसे ही y इज इक्वल टू कुछ भी हो पावर में,
पर आपका दिमाग खराब हो रहा है क्या सोच के कि जब साइन फोर प्लस कॉस फोर का इतना बड़ा मेथड था, साइन पावर सिक्स एक्स प्लस कॉस की पावर सिक्स एक्स का इतना बड़ा मेथड था, ये वाला यहाँ से चल रहा है, यहाँ से चलता जा रहा है, चलते जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और यहाँ जाके आंसर आया साइन पावर एट एक्स प्लस कॉस पावर एट एक्स तो वही बड़ा होगा, साइन पावर टेन एक्स प्लस कॉस पावर टेन एक्स तो साइन पावर हंड्रेड प्लस कॉस पावर हंड्रेड बर्बाद हो जाएंगे, और यदि ये आ गया तो महाबर्बाद, और ये आ गया तो ख़त्म, कैसे करेंगे, तो बर्बादी वाला काम हो गया। ऐसे केस में कोई ना कोई ट्रिक लगना जरूरी है, ट्रिक लगेगी, ट्रिक आपको आनी चाहिए। क्या ट्रिक लगेगी जिससे कि हम क्वेश्चन का आंसर देखते ही निकाल सकते, देखते ही देखते निकाल सकते, क्या ट्रिक अप्लाई करके, तो ट्रिक जो है उसको समझिए, देखिए और सीखिए, ठीक है। ट्रिक क्या है, जब भी y इज इक्वल टू साइन की पावर 2nx प्लस कॉस की पावर 2nx हो, ट्रिक ऐसी फॉर्म हो, 2n मतलब इवन पावर, ऐसे केस में जो रेंज होती है मतलब परिसर जो होता है वो हमेशा 1/2 की पावर n माइनस 1 से लेकर के 1 तक होता है। कुछ भी नहीं करना, जैसे साइन की पावर 6 थी, जैसे y इज इक्वल टू साइन की पावर 6x जो हमने थोड़ी पहले निकाला था, कॉस की पावर 6x, 2n क्या हो गया 6, एन क्या हो गया 3, यहाँ पर रखो आप, रेंज क्या आएगी 1/2 की पावर 3 माइनस 1 से लेके 1 तक, 1/2 की पावर 2 यानी 1/4 से 1 तक, यही आया था क्या, देखिए आप यही आया था क्या 1/4 से 1 साइन पावर, यस यही तो आंसर, इतना बड़ा जो मेथड था उसका तो आंसर आपने निकाल दिया, कैसे, देखते ही देखते, साइन पावर एट एक्स प्लस कॉस पावर एट एक्स। अब ये जो क्वेश्चन हमने नहीं किए इसकी रेंज निकालनी है आपको, इसकी रेंज निकालनी है, इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज क्या होगी, ये सिखा रहा हूं आपको, साइन पावर एट एक्स प्लस कॉस पावर एट एक्स इसकी रेंज क्या होगी, 2n इज इक्वल टू 8, n क्या हो गया 4, तो 1/2 की पावर 4 माइनस 1 से लेकर के 1 तक, 1/2 की पावर 4 माइनस 1 यानी 3, 1/2 की पावर 3 यानी 1/8 से 1, ये आ गई रेंज, इसकी देखते ही देखते, इसमें आ जाओ इसकी रेंज क्या आएगी, 1/2 की पावर 5 माइनस 1 4 से 1, 1/2 की पावर 4 यानी 1/16 से 1 तक, देखते ही देखते, इसकी निकाली क्या आएगी इसकी, 1/2 की पावर 100 का आधा 50, 50 की पावर 50 माइनस 1 49 से लेकर के 1 तक, मतलब किसी की भी निकाल सकते हो, समझ में आ गया ना आपके, कैसे निकालेंगे आप, देखते ही देखते, चाहे कैसा भी सवाल हो, किसी भी टाइप का सवाल हो, ये आप में समझ में आ गया, आपके समझ में आ गया कि कैसे हम देखते ही देखते आंसर निकाल सकते हैं, कैसे हम ट्रिक से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। दिक्कत क्या आ रही है आपको, मैंने जो सिखाया है वो ये सिखाया है कि साइन की पावर 2n प्लस कॉस की पावर 2n हो, यदि इवन नहीं हो, समघात नहीं हो, विषम घात हो, अब क्या करेंगे, आपकी ट्रिक तो खत्म, ट्रिक तो फेल, अब फंस गए वापिस आप, अब क्या करें। तो यदि हमारे पास ऑड पावर हो, विषम घात हो, तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या ट्रिक यूज करते हैं, कैसे आंसर निकालते हैं, ये मैं आपस कर रहा हूँ अब, ठीक है। साइन की पावर क्यूब एक्स प्लस कॉस की पावर क्यूब एक्स का सवाल लेकर के, सवाल है हमारे पास क्या, वाई इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, ठीक है ना। साइन क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बताइए मुझे, क्या फॉर्मूला होता है इसका, क्या होता है, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3 एक्स का फॉर्मूला,
साइन थ्री एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थ्री एक्स इज इक्वल टू थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यू एक्स, ठीक है ना। यहां पर साइन क्यूब की वैल्यू निकालनी है तो फोर साइन क्यूब एक्स उधर ले जाओ, साइन थ्री एक्स को इधर ले जाओ, तो फोर साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू थ्री साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स। ऐसे ही कॉस थ्री एक्स क्या होता है? ये होता है फोर कॉस क्यूब एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स। यहां पर फोर कॉस क्यूब एक्स क्या हो जाएगा? फोर कॉस क्यूब एक्स कॉस थ्री एक्स प्लस थ्री कॉस एक्स। कॉस क्यूब एक्स क्या आया? वन बाई फोर कॉस थ्री एक्स प्लस थ्री कॉस एक्स। ये दोनों की दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पर दोनों की वैल्यू को पुट कर दो। साइन क्यूब एक्स जगह क्या रखोगे? साइन क्यूब एक्स जगह थ्री साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स अपॉन फोर, थ्री साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स अपॉन फोर प्लस कॉस क्यूब एक्स जगह क्या रखोगे? कॉस क्यूब एक्स जगह क्या रखोगे? कॉस थ्री एक्स कॉस थ्री एक्स कॉस थ्री एक्स प्लस थ्री कॉस एक्स अपॉन फोर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर आप एक काम करो, थ्री एक्स कॉस थ्री एक्स और साइन थ्री एक्स वालों को अलग कर दो और इन दोनों को अलग कर दो, यानी थ्री अपॉन फोर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस प्लस थ्री अपॉन फोर कॉस थ्री एक्स माइनस साइन थ्री एक्स। अब इसकी रेंज निकाल लो, इसकी रेंज निकाल लो, इसकी तो निकाल सकते हो ना, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स ये है और ये भी ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स है, इसकी मिनिमम निकाल लो, इसकी मिनिमम निकाल लो, है ना। तो मिनिमम वैल्यू निकाल करके या फिर मैक्सिमम मिनिमम मेथड से सॉल्व करेंगे तो इनकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस वन और मैक्सिमम वैल्यू आएगी वन। साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, इसकी मिनिमम वैल्यू आती है माइनस वन और मैक्सिमम वैल्यू आती है वन। साफ साफ बोलूँ तो ट्रिक क्या है, जब भी आपके पास ऑड पावर हो, जब भी आपके पास विषम घात हो, ऐसे केस में जो रेंज होती है वो हमेशा माइनस वन से वन के बीच में होती है। मिनिमम वैल्यू माइनस वन होती है और मैक्सिमम वैल्यू वन होती है विषम घात में। सम घात के अंदर वन अपॉन टू की घात एन माइनस वन से लेकर के वन तक रेंज होती है, क्लियर। अब आपसे कहा जाए क्या, क्या कहा जाए आपसे? भाई मुझे तो रेंज इसकी चाहिए, वाई इज इक्वल टू साइन की पावर फाइव एक्स प्लस कॉस की पावर फाइव एक्स। क्या आएगी रेंज? माइनस एक से एक। वाई इज इक्वल टू साइन की पावर सेवन एक्स कॉस की पावर सेवन एक्स। क्या आएगी रेंज? एक। वाई इज इक्वल टू साइन की पावर 2009x cos की पावर 2009x। क्या आएगी रेंज? माइनस एक से एक। साफ साफ बोलूं तो ट्रिक क्या हुई, लिख देता हूं ट्रिक को मैं यहां पर, ट्रिक। और ट्रिक को आपको क्या करना है, हाईलाइट। जब भी कभी क्वेश्चन y इज इक्वल टू साइन की पावर cos की पावर वाली फॉर्म में हो तो इसकी जो रेंज होती है हमेशा माइनस वन से वन के बीच में होती है। ऑलवेज ध्यान रखिए, हमेशा हमेशा माइनस एक और एक के बीच में होती है, क्लियर। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? चले आगे, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आते हैं वो हमारे पास, मान लो क्वेश्चन आता था टेन वाला, टेन वाले फंक्शंस जो होते हैं उनकी रेंज कैसे निकालें, टेन वाले क्वेश्चन से उनकी रेंज कैसे निकालें। जैसे सवाल हमारे पास
वाई इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स माइनस टेन एक्स प्लस थ्री। ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर हर तरीके के क्वेश्चन उनकी रेंज आपको निकालनी आनी चाहिए। तो मैं टेन पर आ गया। अब इस तरीके से चलते चलते मैं कहाँ पर आ गया, टेन पर आ गया। मुझे टेन वाले फंक्शन की रेंज निकालनी। अच्छा एक बात बताओ, टेन जो होता है टेन की रेंज होती क्या है, टेन जो है वो कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, टेन कब तक डिफाइन होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। साफ साफ बोलूँ तो ऑल रियल नंबर्स ही इसकी रेंज होती है, हर जगह डिफाइन है, मतलब हर वैल्यू इसकी आ सकती है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। ये हम ग्राफ से भी सीख चुके हैं और थोड़ी देर पहले जैसे ही मैंने रेंज स्टार्ट की थी मैं बता भी चुका हूँ आपको कि टेन एक्स जो होता है इसकी रेंज होती है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यानी ऑल रियल नंबर्स। यानी एक चीज़ क्लियर है क्या बेटा, एक चीज़ क्लियर है क्या, क्या क्लियर है? क्लियर ये है कि टेन एक्स के होने और नहीं होने से रेंज में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि ये तो हर रियल नंबर पर डिफाइन है, इसकी रेंज तो हर रियल नंबर है, तो टेन एक्स से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। फर्क पड़ रहा है रेंज, जो फर्क पड़ेगा वो बनेगा क्वाड्रेटिक के हिसाब से, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्म आ रहा है। तो क्वाड्रेटिक की रेंज निकालो बस, टेन की तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, टेन से तो कोई बाउंड है नहीं टेन का, तो आप निकालो क्वाड्रेटिक के हिसाब से रेंज। तो क्वाड्रेटिक के हिसाब से द्विघात समीकरण के हिसाब से इसकी रेंज क्या होती है, अगर आप टेन एक्स को एक काम करो, टेन एक्स को जेड मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस तीन। जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस तीन, जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस तीन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी जो रेंज होती है वो माइनस डी अपॉन फोर ए से इन्फिनिटी तक होती है यदि ए ग्रेटर देन जीरो। ए क्या होता है, जेड स्क्वायर का कोफिशियंट, और यहाँ पर जेड स्क्वायर कोफिशियंट है वो वन है, वन हमेशा पॉजिटिव होता है, तो रेंज आपकी माइनस डी अपॉन फोर ए से इन्फिनिटी होगी, कुछ भी नहीं करना। तो रेंज इसकी क्या हो जाएगी, डी क्या है यहाँ से, डी जो होगा वो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी क्या है, माइनस वन का स्क्वायर माइनस फोर, ए क्या है वन, सी क्या है थ्री, डी क्या आएगा वन माइनस ट्वेल्व, डी क्या आएगा माइनस इलेवन। डी की वैल्यू आई माइनस ग्यारह, माइनस इलेवन रख दो यहाँ पर, क्या बेटा रख दो यहाँ पर, डी की जगह माइनस ग्यारह रखा, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस इलेवन अपॉन फोर ए, ए क्या है वन, फोर इंटू वन फोर से लेकर के इन्फिनिटी। यानी जो आपका टेन वाला सवाल था आपको कुछ करना ही नहीं था, कुछ किया ही नहीं आपने, आपने तो सिर्फ क्वाड्रेटिक वाला मेथड यूज किया और क्वाड्रेटिक के हिसाब से द्विघात समीकरण के हिसाब से आपने वो कंसेप्ट यूज किया। आपको पता है कि द्विघात समीकरण जो होती है उसकी रेंज माइनस डी अपॉन फोर ए से इन्फिनिटी तक होती है, तो उस हिसाब से आपने वो कंसेप्ट यूज किया और आपने रेंज निकाली और रेंज आ गई आपकी ये। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए मेरी बात सुनिए, जैसे मान लो सवाल आपका y इज इक्वल टू, जैसे टेन है वैसे कोट वाला भी हो सकता है, हम कोट वाला सवाल ले, मान लो कोट वाला सवाल है, जैसे y इज इक्वल टू थ्री कोट स्क्वायर x प्लस टू कोट x प्लस फाइव, ये सवाल इसकी रेंज निकालनी है, थ्री कोट स्क्वायर x प्लस टू कोट x प्लस फाइव इसकी रेंज निकालनी। तो इसकी रेंज होती क्या है, कोट से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोट से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जैसे टेन की रेंज होती है क्या, ऑल रियल नंबर्स, वैसे ही कोट की रेंज होती है क्या, ऑल रियल नंबर्स। टेन और कोट के तो होना और नहीं होना एक जैसा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, टेन होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनकी रेंज तो ऑल रियल नंबर्स होती है। फर्क जो पड़ रहा है, वो दिक्कत जो आ रही है वो आ रही है क्वाड्रेटिक के हिसाब से, क्योंकि क्वाड्रेटिक जो है वो किसी फिक्स पार्ट के अंदर बाउंडेड होते हैं। तो द्विघात समीकरण जो होती है उसकी रेंज लगाइए यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आप क्या कर दीजिए, कोट एक्स को जेड लिख दो, कोट एक्स को लिखा आपने जेड, क्या है आपका वाई इज इक्वल टू, वाई इज इक्वल टू थ्री जेड स्क्वायर 2z प्लस 5, 3z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 5,
यहाँ पर ए क्या है, थ्री। क्या है ये ग्रेटर देन जीरो। क्या चाहिए आपको, डी। क्या होगा डी, डी क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। व्हाट इज बी हेयर, 2 का स्क्वायर माइनस 4। ए क्या है, 3। सी क्या है, 5। 2 का स्क्वायर 4। ती 12 पंजे 60। क्या आया, -56। -56 तो यहाँ पर आपने रखा -56 माइनस डी अपॉन 4ac∞। तो डी आपका जो आया वो क्या आया, -56 प्लस 56 अपॉन 4। ए आपका क्या है, 3। से इन्फिनिटी 14 अपॉन 3 से इन्फिनिटी। कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ आपने कॉटेक्स जे जेड रखा, क्वाड्रेटिक वाला कंसेप्ट लगाया, सॉल्व किया, ट्रिक यूज की और आंसर निकाला, खत्म। ठीक है स्टूडेंट्स, और सवाल कैसे आ सकते हैं, किस तरीके का आ सकते हैं ये बता रहा हूँ आपको। देखिए, यदि मान लो आपको रेंज निकालनी हो किसकी, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की, किसकी, भिन्नात्मक फलन की, किसकी, दशमलवांक फलन की, तो अब आप क्या करेंगे, कैसे उसकी रेंज निकालते हैं, भिन्नात्मक फलन की, दशमलवांक फलन की या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है, ये y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x। आपको तो पता है ना बेटा, ग्राफ में भी आपको हमने सिखाया था ना, ऐसे भी आपको हमने सिखाया था ना, जानते हो ना आप तो क्या कि फ्रैक्शनल पार्ट x की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, बताइए क्या होती है। फ्रैक्शनल पार्ट x जो होता है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, इसकी मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है क्या, जीरो। मैक्सिमम वैल्यू होती क्या, वन। जीरो से लेके कहाँ तक जाता है, वन तक। जीरो से वन तक मिनिमम वन और मैक्सिमम एक, है ना। तो फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो से एक तक। इसकी रेंज निकालनी है आप, जैसे मान लो सवाल हमारे पास, ये सवाल है, फ्रैक्शनल पार्ट टू फ्रैक्शनल पार्ट एक्स अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट एक्स प्लस थ्री, ये सवाल है। अब देखिए, आप सबसे पहले आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके वाई की फॉर्म में कन्वर्ट करिए फ्रैक्शनल पार्ट एक्स को। कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आप, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट एक्स इंटू वाई प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। अब क्या करेंगे आप, ये फ्रैक्शनल पार्ट एक्स है ना बेटा, इसको आप ले आइए लेफ्ट में, तो लेफ्ट में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स इंटू वाई माइनस माइनस टू फ्रैक्शनल पार्ट एक्स इज इक्वल टू थ्री वाई, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ले लो, क्या लोगे, कॉमन। क्या है कॉमन, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स ले लिया, है ना, थ्री वाई अपॉन वाई माइनस टू। फ्रैक्शनल पार्ट एक्स जो है इसकी वैल्यू आपको पता है कि जीरो और एक के बीच में लाई करती है, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट लाई करता है जीरो से एक के बीच में, जीरो और एक के मध्य में स्थित होता है। तो यहां पर आप क्या करिए, यहां पर फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की जगह आप इसकी वैल्यू क्या है, थ्री वाई अपॉन वाई माइनस टू रख दीजिए आप इसमें। जब तो रखा हमने तो ये बन गई जीरो लेस देन इक्वल टू थ्री वाई अपॉन वाई माइनस टू लेस देन वन। इनइक्वलिटी आ गई। अब असमीकरण को सोल्व करना है आपको, दो केस बन रहे हैं, कौन कौन से, एक तो ये वाला थ्री वाई अपॉन वाई माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड दूसरा बन रहा है ये वाला थ्री वाई अपॉन वाई माइनस टू माइनस वन लेस देन जीरो।
यहाँ से आपकी जो वैल्यू आ रही है, एक तो जीरो आ रही है, एक टू आ रही है, जीरो और टू, प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन है तो प्लस वाले को आपने डार्क किया। यहाँ से आंसर आया माइनस इन्फिनिटी से जीरो, यूनियन टू से इन्फिनिटी। इधर से यहाँ से सोल्व किया तो ये आया थ्री वाई माइनस वाई प्लस टू अपॉन वाई माइनस टू लेस देन जीरो, टू वाई प्लस टू अपॉन वाई माइनस टू लेस देन जीरो। यहाँ से जो आ रहा है, यहाँ से जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, y की वैल्यू एक तो आ रही है माइनस वन और एक टू आ रही है, तो माइनस वन और टू, प्लस माइनस प्लस, ये आपके इंक्लूड नहीं है, लेस देन है तो माइनस वाले को डार्क कर दिया। यहाँ से आया क्या माइनस वन से टू, यून इंटरसेक्शन, इसमें इसमें और इसमें कॉमन निकालना है, तो इसमें ये क्या है माइनस इन्फिनिटी से जीरो, यूनियन टू से इन्फिनिटी। बताइए कॉमन क्या है दोनों में, माइनस वन से टू, माइनस वन से टू, तो माइनस वन से और जीरो तक का पार्ट जो है वो केवल कॉमन है, तो आंसर आ गया माइनस वन से लेकर के जीरो तक का पार्ट जिसमें माइनस वन इंक्लूड नहीं है और जीरो इंक्लूड है, ये होगी आपकी रेंज। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की रेंज निकाली। क्वेश्चन हमें और लेने, और आपको बता दूं मैं कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की रेंज निकालने की ट्रिक भी है, ट्रिक को देख करके हम सीधा देखते ही आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन ट्रिक हम आपको आज नहीं बताएंगे, ट्रिक हम बताएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास लेना ना भूले, क्योंकि आपको ट्रिक सीखनी है, देखते ही देखते आंसर निकालना है, कैसे कैसा भी बड़े से बड़ा, कठिन से कठिन, कॉम्प्लिकेट टाइप का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का जो क्वेश्चन आ गया, तो कैसे उस क्वेश्चन का आंसर हम देखते देखते फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन ये सीखेंगे हम नेक्स्ट क्लास। ठीक है स्टूडेंट्स, आज क्लास हम यहीं एंड करते हैं, थैंक यू।